हेलो फ्रेंड, आप सभी का वनिता किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर नट पम्पकिन। इसके लिए मैंने लिया है ये बटर नट पम्पकिन, लेमन, गार्लिक और ग्रीन चिली और जिंजर। सबसे पहले हमें बटर पम्पकिन का डंठल कट करके उसे छीलना है। चैनल पे नया है तो वनिता किचन को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा पंपकिन पूरा छिल गया है, चलो उसे कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। बीज को हमें रिमूव कर देना है। गैस ऑन करेंगे और पैन रखेंगे, तेल डालेंगे उसके अंदर 3 चम्मच, 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे, बारीक कटी हुई ग्रीन चिली डालेंगे, गार्लिक डालेंगे, ग्रेट किया और ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। ये दालचीनी ऐड करेंगे 2, इसको हम 2-3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। ये अच्छे से सौते हो गया है, उसमें हम ये बटरनट पम्पकिन डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 3 चौप लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा लेमन का जूस ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे और हमें 10-15 मिनट के लिए स्लो गैस पे पका लेना है इसे। चलो हम चेक कर लेते हैं। इसको तोड़ के भी चेक कर लेते हैं कुक हुए कि नहीं। आप देख सकते हैं कि आराम से टूट रहे हैं। इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। ये हमने कोकोनट की क्रीम ली है, वो हम ऐड करेंगे। ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, धनिया पत्ता ऐड करेंगे बारीक कट किया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये सर्व करने के लिए रेडी है। चलो उसको सर्व करते हैं। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। इसका हम फिनिश करेंगे बारीक कट किया धनिया पत्ता से और ग्रेटेड कोकोनट। इसका आप रोटी चपाती या नान के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।